हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज आपके लिए मैं फिर एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। जी हाँ, एसएससी में पूछे गए वे एग्ज़ाम्स के, अलग अलग एग्ज़ाम्स के, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने है। आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको हॉन अप करेगा, आपके क्वालिटी को, आपके नॉलेज को बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आप इसका पिक भी ले सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको कॉमन एरर का मिल रहा है। क्वेश्चन है, दिस पेन इज़ वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज़। जी हाँ, एरर कहाँ पे है? कॉस्टेड, कॉस्टेड नहीं होता है। कॉस्ट का तीनों फॉर्म जो है कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट होता है। कॉस्ट मतलब कीमत। ठीक है, नेक्स्ट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू हियर। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी के प्रतीक्षा या इंतज़ार में होना। और इसके साथ हम जीरेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि मीटिंग होगा, नहीं कि मीट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हियर, तुमसे यहाँ मिलने की प्रतीक्षा में। तो ये हमारे दो कॉमन एरर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। और ये है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पिक लेकर आप इसको देख सकते हैं। 300 गैदर टू अवेट द बॉक्सर। अवेट वर्ड हम जानते हैं, इंतज़ार करना, किसी का इंतज़ार करना। और ये अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए, या तो वेट हो इसके जगह पे, या अवेट हो। तो अवेट हो लेकिन प्रीपोजिशन ना हो। तो यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ भी अवेट के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो वेट क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वेट तो प्रीपोजिशन लेता है बट ऑप्शन में नहीं है। तो 3 हुए नहीं, तो बचा फिर डी, नो इम्प्रूवमेंट। सैकड़ों जमा हुए इंतज़ार में, किसके? बॉक्सर्स का अराइवल के लिए, या उसके आने के इंतज़ार में। ठीक है, तो आपने देखा बाकियों को हमने क्यों एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट 4 नंबर, इसका भी आप पिक ले लें। नो सुनर आई सॉ द टाइगर देन आई रैन अवे। देखिए, अगर सेंटेंस नो सुनर से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन काम करता है, जो आपने कंजंक्शन या एडवर्ब में पढ़ा होगा। तो इसमें होता है कि नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन यही है। ठीक है, नो सुनर हो या नॉर हो, प्लस हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट होता है। तो आंसर इज बी। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आंसर इज बी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट लिया गया। नो सुनर डिड आई सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये आपको फिलर दिया गया है, पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। पुलिस हैज बिन लुकिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे देखिए, समय दिया गया है 4 वीक्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन 4 का यूज करते हैं, ना कि सिंस, ना ही ड्यूरिंग, ना ही टिल। बिल्कुल साफ फंडा है। हाँ, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। 4 वीक्स के जगह अगर संडे मंडे ही लिखा होता तो लगा लेते, और सिंस लगा लेते। ड्यूरिंग होता है कोई काम के दरमियान, और टिल बाई के सेंस में होता है। हालांकि इसके दोनों के अलग अलग सेंस हैं, फिर कभी बताऊंगा, बट बाई के अर्थ में तब तक या तक के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ही इज़ टू डल द प्रॉब्लम। अब देखिए, आपने एक रूल पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, टू के बाद अगर एडजेक्टिव दिया है तो इस एडजेक्टिव के बाद 2+V1 होगा। ये स्ट्रक्चर है, पढ़ा होगा आपने, मैं तो पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में। तो 2 एडजेक्टिव 2+V1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 लगा है, प्लस एडजेक्टिव है, तो आगे क्या लगेगा?
टू प्लस बी वन, ही इज टू डल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो इतना डल मतलब मानसिक रूप से कमजोर है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पिक ले लें आप। इसमें आपको एंटोनिम करना है, क्लैरिटी मतलब अस्पष्टता, जो चीज़ अस्पष्ट है उसको क्लैरिटी कहते हैं। तो अस्पष्टता का एंटोनिम क्या होगा, कन्फ्यूज़न, जो कन्फ्यूज़न है मतलब संदिग्ध है, दुविधा है। एग्जैजरेशन मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करके बताना, एग्जैजरेट करना। कैंडिड मतलब होता है अस्पष्टवादी, जो बिल्कुल साफ बोलता है, फ्रैंक बोलता है, वो कैंडिड होता है। ठीक है, जैसे बच्चे कैंडी खाते हैं ना, तो कैंडी खाने वाले बच्चे बहुत ही फ्रैंक होते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो कैंडी खाते हैं, तो वो कैंडिड होते हैं। और रिजर्व मतलब क्या होता है, साइलेंट, जो कम बोलता है या नहीं बोलता है। तो क्लैरिटी का कन्फ्यूज़न। डियर मतलब होता है महंगा, कई लोग डियर मतलब प्यारा समझते हैं, बिल्कुल होता है, लेकिन एसएससी में जब डियर पूछता है तो अर्थ है उसका महंगा, तो महंगा का सस्ता कर देंगे हम, चीप, फ्री तो होगा नहीं। वर्थलेस मतलब हो गया वैल्यूलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्राइसलेस मतलब हो गया मूल्यहीन, ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें सिनोनिम करना है, तो आप इसको देख लें। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान है, एग्ज़ाम में आता है, सोचना क्या है, आप क्वेश्चन उठा के देख लो, अभी हफ्ते महीने भर पहले जो एग्ज़ाम्स हुए ऐसे ही सवाल आए हैं, सोचना नहीं है, इस बार ऐसे ही आ रहे सब। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया बाधा, ठीक है, बाधा डालना या बाधा करना, उत्पन्न करना। तो ऑब्जेक्ट का उल्टा क्या होगा सर, सॉरी सिनोनिम करना है, उल्टा नहीं, समानार्थी। तो बाधा डालना डिसअप्रूव होता है, किसी बात को असहमति ना देना यानी उसको रोक देना। डिसओबे मतलब होता है अवज्ञा, आज्ञा ना मानना, तो ये तो अलग चीज़ हो गया। डिनाई मतलब होता है रोकना या मना करना, किसी बात से रोकना या सच्चाई को इनकार करना को डिनाई कहते हैं, सच बात से मना करना। चैलेंज आप जानते हो, ठीक है, तो आंसर इज डिसअप्रूव करना, यानी किसी चीज़ के लिए सहमति ना देना, उसको रोक देना या मना कर देना, असहमति देना। ग्रेव मतलब होता है गंभीर, कोई चीज़ बहुत गंभीर है। आप कहोगे सर ग्रेव मतलब कब्र भी होता है, हाँ ग्रेव भी होता है, ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, बट एसएससी जब ग्रेव पूछे तो समझ लो वो गंभीर का अर्थ आपको मांग रहा है। तो गंभीर यानी वेटी, यानी जिसका वजन है, ठीक है, जिस बात का वजन है, जिस चीज़ का वजन है, तो वो ग्रेव हो जाएगा। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दुर्जेय हो, या मतलब उस पर काबू नहीं कर सकते, वो चीज़ बहुत ही कठिन या कठोर हो, आर्डस हो, ठीक है, या स्ट्रेनुअस हो, मतलब कठिन चीज़, फॉर्मिडेबल। ऐसे आई का उच्चारण इसमें नहीं होता है, इसको हम पढ़ेंगे फॉर्मडबल, फॉर्मडबल। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं फॉर्मडबल, जब कोई डबल चीज़ों को फॉर्म करता है, बनाता है, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप एक बार आपसे कोई काम कराए तो आप आसानी से कर लोगे, वही काम बोले दोबारा कर दो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो वही हो गया फॉर्मडबल। बिटर मतलब कड़वा होता है, ये आपको पता है, बिटर गॉड होता है ना करेला। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती है, बट एसएससी में ये गर्भवती वाला सेंस नहीं होता, इसका मतलब होता है फुल, किसी चीज़ से भरा हुआ, टीम विथ समथिंग, ठीक है, एनरिच, परिपूर्ण। ओके, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट 11 एंड 12, तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन है। अर्ली सेलिब्रेशन अर्ली यानी कि सालाना, वार्षिक महोत्सव जो होता है, फॉर अ डेट और एन इवेंट, वो होता है एनिवर्सरी। अर्ली ये तो 100 साल वाला होता है, सेंट मतलब 100, रूटवर्ड भी है,
जुबली 50 ईयर्स, बर्थडे आप जानते हो। तो एनिवर्सरी क्या होता है? अर्ली, एन मतलब ईयर होता है ना, रूट वर्ड है एन, ईयर। ई ए डबल एन भी होता है, ई एन होता है, जैसे मिलेनियम में ई एन आ जाता है, या ट्राइएनियल में, बाइएनियल में, ठीक है। पब्लिक, सी नहीं होगा, ई, पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन, यानी जहाँ पे एक ऐसा इमारत या भवन जिसमें हथियारों को या गोला बारूद वगैरह को या गोली वगैरह को बनाया या स्टोर किया जाता है। आंसर तो आर्मरी है, पर होने को सेलर भी हो सकता है, सॉरी सेलर नहीं, आर्सेनल भी हो सकता है, बट होगा नहीं। आर्मरी वो स्थान है जहाँ पे हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, स्टोर करते हैं। और आर्सेनल कौन स्थान है? आर्सेनल होता है सेना में, मिलिट्री में, वो स्थान जहाँ पे हथियार को रखते हैं। डिफरेंस समझिए, किसी मिलिट्री कैंप में जहाँ बंदूकें रखी होती हैं वो आर्सेनल है, और फैक्ट्री जहाँ बंदूकें बम बनाए जाते हैं वो आर्मरी है। आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है, अब समझ गए। तो हथियार दोनों जगह हैं, बट एक जगह बनता है, आर्सेनल में बनता नहीं, वहाँ रखते हैं स्टोर। गोडाउन मतलब तहखाना, सेलर भी तहखाना होता है, तहखाना, या इसको हम बेसमेंट भी बोलते हैं, सेलर बेसमेंट, और गोडाउन स्टोर हाउस को हम कह सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें हम जमा करके रखते हैं। दुकानों में गोडाउन होता है ना, राशन दुकान या दूसरी दुकानों के, जहाँ पे वो एक बार में चीज़ों को जमा करते हैं, दैट इज गोडाउन। नेक्स्ट, अगला हमारे पास है, ओके, माय फेवरेट क्वेश्चन। मिल्टन ने कहा कि, तो कुछ कहा होगा, तो दैट के साथ यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। मिल्टन ने क्या कहा? मिल्टन ने कहा कि दोज, तो दोज पर्सन सब्जेक्ट हो गया, मिल गया हमें, दैट कंजंक्शन है। इसके बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सेंटेंस ऐसे ही बनता है। तो मिल्टन ने कहा कि वो लोग, अब यहाँ पर्सन है तो ये फिर हु आएगा उसी के लिए, पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो लोग, दोज पर्सन्स, और सॉरी यहाँ हु नहीं आएगा अभी, दोज पर्सन्स वुड बी कंडेम्ड, वर्ब अभी नहीं, दोज पर्सन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लेंगे तो ये हो गया डैम। डैम मतलब क्या होता है? पनिश किया जाएगा, गॉड के द्वारा पनिश किया जाएगा, डैम किया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी। तो दोज पर्सन्स वुड बी डैम्ड, कैसे लोग, अब लिखेंगे हु, जो ओबे नहीं करते, किसको ओबे नहीं करते, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, किसको, गॉड के कमांड को ओबे नहीं करते, ठीक है। तो दोज पर्सन्स पी, फिर हो गया उनको क्या किया जाएगा, डैम किया जाएगा गॉड के द्वारा, तो डैम वाला क्यू, फिर है किसको, जो ओबे नहीं करते, ठीक है, और क्या ओबे नहीं करते, गॉड के कमांड को, तो लास्ट में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे या कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो ओबे के लिए आएगा। ओबे क्या नहीं करना है, गॉड्स कमांड, ओबे गॉड्स कमांड, क्लियर है। तो आंसर इज ए। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ये आपका 14 क्वेश्चन है, इसका आप पहले क्वेश्चन का पिक ले लिया होगा, चलो, और ये ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ओके, बहुत ही आसान है ये भी। ही डेयर, तो हम जानते हैं डेयर के साथ, अगर डेयर जो है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ये आपका 2+B1 लेगा, ठीक है। नीड एंड डेयर आपने पढ़ा होगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो आगे में हम सिर्फ B1 लेते हैं, जैसे नीड नॉट हो गया तो हम केवल B1 ले लेते हैं, नीड नॉट गो, ऐसा। उसी तरह अगर डेयर नॉट है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नॉट लगा है तभी हम जानते हैं कि हेल्पिंग होता है, ठीक है, तो हम B1 लेते हैं दोनों केसेस में। बट यहाँ पे डेयर्ड किया मतलब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि हम 2+B1 ले सकते हैं। तो क्या लेंगे सर? ही डेयर्ड 2+B1 फाइट, क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, ही डेयर टू फाइट। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा क्यू से स्टार्ट हुआ था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्यू से स्टार्ट हुआ हमारा बी, सी, तो बी आंसर हो गया, जिनका भी आंसर बी था दे आर करेक्ट, क्यू पी आर एस,
क्यू पी आर एस, तो क्यू से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आया टू फाइट द 40 थीव्स हु क्यू पी आर एस हु चैलेंजेस हिम, क्लियर। चलो 40 चोरों से लड़ना, पढ़ा होगा अलीबाबा 40 चोर की कहानी, आई थिंक उसी पर था। नेक्स्ट है इडियम, इडियम है, आंसर आप देख लें। स्मेल अरेट मतलब क्या होता है, कोई स्मेल, बैड स्मेल को सूंघना, मिसअंडरस्टैंड करना, या टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। जी हाँ, टू सस्पेक्ट यानी शक करना कोई चाल या धोखा, डिसीट मतलब चाल या धोखा या छल कपट, ठीक है, इस तरह के सेंस होंगे। सस्पेक्ट करना यानी उसमें शक करना, तो स्मेल अरेट का मतलब होता है किसी बात पर शक करना, टू सी हिडन मीनिंग। जी नहीं है सब में, बहुत ही आसान था, और ये एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, आप ऐसा ना समझे कि मैं अपने घर से बना के लाया, नहीं, सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम से आसान आसान सवाल। टू स्पिल द बीन्स, ये होता है भेद खोलना, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट या टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मिसबिहेव करना किसी के साथ, नहीं, सीक्रेट रखना तो नहीं, टॉक इररिलेवेंट चीज, नो, अतर्क संगत बातें करना नहीं। तो टू स्पिल द बीन्स, जैसे कोई मटर है तो मटर में कितने दाने हैं ये अगर हमको जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छिल देना पड़ेगा, छिलेंगे स्पिल द बीन्स तो हम जान जाएंगे कि कितने बीन हैं, मतलब कि वो हो गया कोई सीक्रेट वहाँ पे डिक्लेयर कर देना, एक्सपोज कर देना। नाउ 17 में हमारे पास है नरेशन, ओके, चलिए तो नरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बनेगा। पहले हम देखेंगे सरिता सेड टू मी आई विल, तो विल है और नाउ है, जो कि हम जानते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में विल और नाउ रहे तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। अब जिसमें विल का वुड नाउ का देन नहीं है वो गया काम से, तो इसमें विल का वुड तो है और नाउ का देन भी है, ठीक है, चलो मान सकते हैं कि आंसर हो, अभी मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं इसमें, लेकिन फिर यहाँ पे प्रोनाउन भी चेक कर लो, चलो यही निपट देते हैं। आई को आई हम नहीं रख सकते क्योंकि हम जानते हैं थर्ड पर्सन के अलावे कोई नहीं बदलता, ही सी इट रे ये बदल, इसके अलावे कोई नहीं बदल, इसके अलावे सारे बदलते, ये नहीं बदलता, तो आई बदलना चाहिए, जिसमें बदले पर बदलना चाहिए, नहीं बदला तो वो गया, ठीक है। तो यहाँ तो आई का सी जरूर किया है, विल का वुड भी कर दिया, मगर नाउ नहीं बदला तो ये भी छट गया, तो मतलब ए नहीं हुआ तो बी भी नहीं हुआ, सी में विल को विल छोड़ दिया तो फिर ये भी नहीं हुआ, तो जो आंसर है वो एंड में है, आखिरी लाइन है, दैट इज डी, ठीक है। इसमें आपका आई का सी भी हो गया, विल का वुड भी हो गया और नाउ का देन भी हो गया, तो सारा परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, आंसर इज डी, जिनका भी है डी आंसर बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद वॉइस का क्वेश्चन है, यू सी व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो डू लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू प्लस बी वन, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य रखेंगे, ना कि हैज हैव, ये सब की जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट में बीइंग भी नहीं आता, ठीक है, और ना ही बीन आता है, तो आंसर बिल्कुल साफ है, ठीक है। डू प्लस बी वन लगा है, सिंपल प्रेजेंट है, ये नरेशन थोड़ी है कि प्रेजेंट को पास्ट करना है कि कॉन्टिन्यूस करना है, ये तो वॉइस है, जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारा डू का इज हो जाएगा, वर्ब का थ्री फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बी वन का, या जो भी वर्ब रहता है, तो आंसर इज ए, वेरी वेरी सिंपल, आपके भी आंसर आ गए होंगे, बढ़िया। 1920 स्पेलिंग वाला, चलो ठीक है, माइक्रो टेक्निक स्पेलिंग मिस्टेक का, फिजिक का, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड फाइंड करना है, तो ये तो करेक्ट है, मिस्टेक मतलब होता है गुप्त पूर्ण या गुप्त रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण, मिस्टेक यानी मिस्ट्री से बना है, आपको याद होगा एक्समैन सीरीज की मूवी जो आती है उसमें एक लेडी मिस्टेक होती है ना, तो वो अपना रूप बदलते रहती है ऑलवेज। ऑब्लिक क्या होता है, कोई चीज़ जो इंक्लाइंड है, झुका हुआ, ऐसा कोई चीज़ लकीर हो या वस्तु हो, ऑब्लिक कहते हैं इसको,
इनक्लाइंड, झुका हुआ, इट इज ऑब्लिक। एंड फिजिक, वैसे यहाँ वाई होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है, तो आंसर है माइक्रो टेक्निक, TECH टेक। ओके चलिए, तो आंसर इज ए, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक। अनबर्डन, किंडर गार्डन, चर्च वार्डन, ओवर बर्डन। अनबर्डन, बर्डन ठीक है, अनबर्डन जो बोझ नहीं है, हल्का है, चर्च का वार्डन होता है, देख रेख करने वाला। ओवर बर्डन, अतिरिक्त बोझ, तो आंसर इज किंडर गार्डन नहीं होता है, किंडर गार्टन होता है। किंडर गार्टन जैसे आपने सुना होगा आंगनबाड़ी, तो वैसे ही होता है ये बालवाड़ी। बालवाड़ी क्या है, स्कूल में एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे खेलते खेलते चीज़ों को सीखते हैं, उसको किंडर गार्टन बोलते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा स्कूल के नाम में भी लिखा होता है, ठीक है, किंडर गार्टन। तो ये बच्चों की खेलने की जगह होती है जहाँ वो टीचर के साथ खेलते कूदते और सीखते हैं। अब आया है आपका क्लोज टेस्ट। साइंटिफिक साइकोलॉजी आर रिकॉग्नाइजिंग अ, अ के बाद खाली स्थान है, तो आ और आगे है ट्रुथ, ठीक है, तो कैसे ट्रुथ की बात कर रहा है। ट्रुथ कैसा होता है, रियल ट्रुथ, रियल और ट्रुथ एक ही होता है। क्लियर ट्रुथ, क्लियर के साथ नहीं जाएगा, डायरेक्ट ट्रुथ नहीं होता, ब्रोकन ट्रुथ नहीं होता। सिंबल, सिंपल ले सकते हैं। साइंटिफिक साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेज अ सिंपल ट्रुथ, ठीक है, क्या सिंपल ट्रुथ है, दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर, दो व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे नहीं हो सकते, तो आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो दो इंडिविजुअल जो होते हैं एक जैसे दिखने वाले, थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लूं, टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ठीक है, नो नो लगा हुआ मतलब अलाइक, एक जैसे नहीं होते, अलाइक मतलब एक जैसे, कि एक सच्चाई क्या है, बिल्कुल ही साधारण सच्चाई जो है वो ये कि दो अलग अलग व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अलाइक का मतलब होता है रूप रंग में एक जैसा होना या गुण में, ठीक है, तो वो अलाइक नहीं हो सकते। बाकी यहाँ पे कोई सुटेबल वर्ड नहीं है, ना कि क्लोज, कोई और भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ अलाइक नहीं होते इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ये बात आप भी मानते हो, सकल सूरत एक हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्वालिटी फिर अलग हो जाएगी। कहते फिंगर प्रिंट तो एक होता नहीं है अरबों खरबों लोगों का, तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी इन दिस वर्ल्ड। आगे कह रहे 23, तो 23 के लिए हम क्या लेंगे, चलो ऑप्शन देख लिया आपने, ओके, तो 23 हम यहाँ लेने जा रहे हैं, इन दिस वर्ल्ड आर इवन दाव, यहाँ हम इवन दाव लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है ना, हावेवर इवन दाव, हालांकि, इक्वलिटी इज अ फोस्टर्ड एडजेक्टिव है, नॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी, इक्वलिटी यानी कि समता क्या है या समानता, फोस्टर्ड नॉर्म है, फोस्टर्ड मतलब जो पोषित है, मतलब उसको समाज में सबको यही समझाया गया कि हम सब इक्वल हैं। बट यहाँ कह रहा है कि साइकोलॉजी ये कहता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, बट सामाजिक रूल क्या है कि हर इंसान एक जैसा है या इक्वल है, ये सामाजिक नॉर्म मतलब कोई सिद्धांत है या रूल है। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है कि मैन, तो मैन के साथ हम क्या लेंगे, बहुत ही आसान ऑप्शन होगा मुझे उम्मीद है, 24 में, चलिए 24-5 आप ले लीजिए, ओके, तो 24 में क्या लिखा था, मैन, तो मैन के साथ हम क्या लेंगे, जो कि वहां पे मुझे याद आ रहा है आर, मैन आर इक्वल, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट मैन आर इक्वल इन, किन चीजों में इक्वल है, मैन आर इक्वल्स इन वेयरिंग ह्यूजेस और डिग्रीज, ओके, यहाँ वेयरिंग होगा जो कि एक ऑप्शन वहां था, वेरी करना मतलब अंतर, ह्यूज मतलब क्या होता है कलर, और डिग्री या लेवल या क्वालिटी के सेंस में आप ले सकते हैं, ओके, सो इक्वालिटी में क्या है, वो सब एक समान, इन दिस वर्ल्ड इक्वालिटी इज अ फॉस्टर्ड नॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी, एंड द ट्रूथ इज दैट मैन आर अनइक्वल, मैन क्या, अनइक्वल है, जो वेरी करते हैं एक दूसरे से कलर में और
क्वालिटी में दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये रहा आज का मॉक टेस्ट, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और बहुत ही आसान था। आप अपना स्कोर बता सकते हैं जिन्होंने भी 25 out of 25 किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।